इंदौर में दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। दरअसल इंदौर में कल एक ही दिन में 3 हत्या होने से शहर में सनसनी फैल गई, जहां सुबह रावजी बाजार थाना क्षेत्र में एक घर के अंदर एक युवती की रक्त रंजित लाश मिली थी, जिसे कैंची से गले में वार कर मौत के घाट उतारा गया था। वहीं देर रात इंदौर के एरोड्रम इलाके के अशोक नगर में दोहरा हत्याकांड सामने आने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया। मकान की तीसरी मंजिल पर एक युवक और एक युवती की खून में लथपथ लाश मिली। दोनों युवक युवती को धारदार हथियार से गर्दन और शरीर के कई हिस्सों में वार कर मौत के घाट उतारा गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक महिला सहित 3 संदेही नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस अवैध संबंध व अन्य बिंदुओं पर भी बारीकी से जांच कर रही है। इंदौर से राकेश सच्चर की रिपोर्ट। थाना एरोड्रम में अशोक नगर के इलाके में एक डबल मर्डर हुआ है। इसमें मृतिका जो है वो सरिता ठाकुर और उनके साथ एक रवि ठाकुर, ये दोनों की हत्या हुई है। और इसमें पुलिस ने अपराध कायम करके विवेचना प्रारंभ कर दी। सर, क्या कारण रहा है हत्या का, कुछ जानकारी? प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो तलवार से जो मृतक और मृतिका है उनके शरीर पर वार करना प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस तरह से प्रथम दृष्टया अवैध संबंध के कारण ये घटनाक्रम होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस अभी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे साक्ष्य और आएंगे उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्यवाही। दोनों मृत पाए गए हैं, क्या लगता है किसने हत्या करी? ये हम लोग इससे जुड़े हुए जो भी साक्ष्य आए हैं, घटनास्थल पर साक्ष्य और आसपास के जो भी साक्षी हैं सबके स्टेटमेंट्स ले रहे हैं। और पुलिस ने मर्ग के साथ अपराध भी कायम किया है और इसमें हम जो भी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आ रहे हैं सबको स्टडी करेंगे, उसके बाद ही इसका सही कारण पता लगता है। सर, ये दो ही के आपस में कौन थे, ये परिचित थे, कौन थे, दोनों? निश्चित रूप से जो मृतक और मृतिका है वो एक दूसरे के काफ़ी करीबी परिचित थे और घटनाक्रम में इन लोगों की भूमिका रही है। अब ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर जो भी आवश्यक कार्यवाही है। सर, पुलिस को किस तरीके से जानकारी मिली थी? इसमें पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कायम किया है और मर्ग इंटीमेशन के बाद में तत्काल जो घटनाक्रम है उसके बाद पुलिस ने अपराध भी किया। थैंक यू। घटना दोपहर की हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी और FSL टीम वो कर रही है, उसकी जांच कर रही है घटना स्थल की, उसके बाद घटना का एग्जैक्ट टाइम हम लोग बताने की स्थिति। कौन था, क्या करता था, क्या काम करता था, कहाँ का रहने वाला था? मृतक नंदानगर का रहने वाला था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।